हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 17 और 18 मार्च के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आजकल आपको पता होगा कि थोड़ा कम ही मिल रहे हैं। रीज़न आपको पता होगा कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो होनी रहती हैं, बहुत सारी कॉन्फ्रेंस और बहुत सारे प्रोग्राम स्कीम, सारी चीज़ें अब डिले हो चुकी हैं। और इस वजह से करंट अफेयर्स भी अगर आप देखिए एक दिन में तो काफ़ी कम मिलते हैं। बाकी अगर आप कोविड-19 को लेकर के पढ़िए तो ऐसे तो आपको बहुत सारे करंट अफेयर मिलेंगे कि आज इस राज्य ने ये किया वो किया, लेकिन वो सब एग्ज़ाम में आएगा नहीं, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं, ना तो किसी एक राज्य में होगा। तो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज में हम देख रहे हैं, और यहाँ पर जितने लोग भी लाइव आ चुके हैं, आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आप सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो ये जो आपको यहाँ पे करंट अफेयर मिल रहा है, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा इसका पीडीएफ, और हमारी वेबसाइट पे जा करके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो करना ना भूलें। ओके, तो पहला क्वेश्चन आज हम यहाँ पे लेते हैं। लिखा हुआ, योनेक्स ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पे इसका नाम आपको अगर दिख रहा है तो ये चीज़ तो कंफर्म हो जाती है कि कहाँ पे हुआ, इंग्लैंड में हुआ। ओके, लेकिन अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इसमें महिला एकल का खिताब, वुमेन सिंगल्स का जो खिताब है, वो किसने जीता है? तो इसको जीता है, आप देखिए यहाँ पे पीवी सिंधु का भी नाम है। पीवी सिंधु नहीं जीती, ये तो जापान की जो प्रतियोगी थी उससे हार गई थी। यहाँ पे जो जीता है वो जीता है ताई जू विंग, थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। ताइवान की हैं ये, और इन्होंने चीन की चेन यूफेई को फाइनल में हराया था। ओके, तो कौन से देश की हैं और ये जीता है इन्होंने, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अगला सवाल है यहाँ पे। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें हैं, जैसे अगर मेन सिंगल पूछा जाए तो किसने जीता, तो विक्टर एक्सेलेंस, क्या लिखा हुआ है, विक्टर एक्सेलसन ने इसको जीता हुआ है। और मेन्स डबल का खिताब हिरियुकी इंडो और यूटा वटानबे ने जीता हुआ है। इसमें जो मेन्स सिंगल है ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वुमेन्स डबल्स का जो खिताब है, सिंगल्स तो आपको पता चल गया, डबल्स का जो खिताब है वो युकी फुकुशिमा और सयाका हिरोता ने इसको जीता है। और वहीं अगर मिक्स्ड की बात करें तो प्रवीण जॉर्डन और मेलाटी डेना ओक्टा वियंटी इन्होंने जीता है। ओके, तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे मेंस सिंगल और वुमेन्स सिंगल, ये इम्पॉर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम में आपसे पूछने के चांसेस होते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे लेते हैं, किस सरकार ने खिलाड़ियों कलाकारों को लाभ पहुँचाने के लिए CMAST और CMAT योजनाओं की घोषणा करी है? कई बार आप पढ़ेंगे तो हो सकता है योजनाओं का नाम ना लिखा रहे, केवल यही पूछा रहे कौन सरकार ने खिलाड़ियों और कलाकारों, मतलब आर्टिस्टों को लाभ पहुँचाने के लिए योजनाओं की घोषणा करी है। तो यहाँ पे योजनाओं के भी नाम लिखे गए हैं, तो इनको भी आप देख लीजिए, पूछा जा सकता है, या फिर ऐसे ही कि ये जो योजना है कौन से राज्य सरकार ने शुरू करी है। तो इनकी शुरुआत करी है मणिपुर की सरकार ने, चौथा वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। यहाँ पे जो योजनाएं हैं इनकी फुल फॉर्म ये लिखी गई है, बहुत थोड़ा यहाँ पे पढ़ने में नाम टेढ़ा हो सकता है। CM का मतलब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर सही है, और AST का मतलब है अखनबा सनारोइसिंगी टेंगबांग स्कीम। ओके, ये CMST की फॉर्म है, और यहाँ पे CMAT की फॉर्म क्या है, चीफ मिनिस्टर आर्टिस्ट सिंगी टेनबंग स्कीम। तो ये दोनों की फुल फॉर्म है। ओके, हालांकि फुल फॉर्म काफ़ी टेढ़ी है, तो आप देख लीजिएगा एक बार, ताकि एग्ज़ाम में अगर आए आज ना हो सके, कम से कम देखे रहेंगे तो एक बार पता रहेगा। चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ के, तो ये हैं एन बीरेन सिंह, और यहाँ की राजधानी क्या है, तो ये है इम्फाल। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस रिफाइनरी के साथ भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय तेल खोजकर्ता ऑयल इंडिया ने कच्चे तेल की बिक्री पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल एक्सप्लोरर है ऑयल इंडिया। ओके, इसने कौन सी रिफाइनरी के साथ ये MOU साइन किया हुआ है तेल की बिक्री के लिए, और कैसे तेल, कच्चे तेल। ओके, क्रूड ऑयल की बात यहाँ पर हो रही है। तो आपको पता होगा भारत में तेल रिफाइनरीज काफ़ी ज़्यादा हैं, और यहाँ पे जो सही आंसर इसका ये है नुमालीगढ़ रिफाइनरी। ओके, इसके साथ किया हुआ है समझौता, ये कहाँ पे है, तो ये असम में है, अगर राज्य पूछा जाए तो असम की है ये, जहाँ पे जिसके साथ जो है ऑयल इंडिया ने MOU साइन किया हुआ है। फिर है अगला सवाल,
भारत सरकार ने सार्क देशों के साथ शुरू की गई कोविड-19 आपातकालीन निधि में कितने मिलियन डॉलर देने का वचन दिया है, मतलब प्लेज किया है भारत ने कि अगर सब लोग तैयार होते हैं तो भारत अपनी तरफ से कितना देगा, 10 मिलियन डॉलर शुरुआत में देगा। तो सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। सार्क देशों की यहाँ पे बात हो रही है। अगर आप जो मैं रात में सेशन आपके लिए लेके आता हूँ स्टैटिक जीके का, जिनको नहीं पता है, 9:30 बजे रोज़ शाम को मैं लेकर के आता हूँ स्टैटिक जीके का, तो कल के वीडियो मैंने बताया था सार्क देशों के बारे में वो सारी चीज़ें। तो अगर आपने ज्वाइन किया होगा तो आपको याद ही होगा क्या है सार्क देश, नहीं अगर किया है तो आप देख लीजिए इसके फुल फॉर्म क्या है। ये आप मैं लिख देता हूँ, सार्क ऐसे लिखा रहता है। ये एस ए का मतलब क्या है, साउथ एशियन, मतलब ये साउथ एशियन जो देश हैं उनके या उनका ये एक समूह है। लिखा है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। यहाँ पे किसी भी एक यहाँ पे वर्ड की इनिशियल्स आपको लिखा रहेगा, पूछा जा सकता है इसमें ए का मतलब क्या है, ओके, इसमें आर का मतलब क्या है, तो आपको याद रहना चाहिए। इसमें मेंबर स्टेट कितने हैं, तो टोटल 8 मेंबर हैं, गिनती भी आपको पता होनी चाहिए, 8 मेंबर स्टेट हैं। मैप मैंने यहाँ पे लगा रखा है, इससे आप देख सकते हैं, अफगानिस्तान इसका मेंबर है, पाकिस्तान मेंबर है, इंडिया मेंबर है, श्रीलंका मेंबर है, ओके, इसके अलावा नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, ओके, तो ये 4 हो गए, इधर से 3, एक कौन बचा, वो है मालदीव्स, जो कि यहाँ पे है, और मालदीव्स काफ़ी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं तो इसलिए मैप में दिख नहीं रहे, आप बहुत जूम करेंगे तब दिखेगा। आप बहुत अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे मालदीव्स की जो राजधानी माले है वो यहाँ पे इंगित हुआ है, ओके, तो ये यहाँ पे देश हैं जिनके बारे में बात हो रही है, सार्क देश जिनको कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है, ओके। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है नई और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की नई वेबसाइट किसने शुरू करी है, तो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की जो नई वेबसाइट है इसको इसकी शुरुआत करी है यूनियन पावर मिनिस्टर आरके सिंह ने। तीसरा वाला जो आंसर है ये इसका करेक्ट है, ओके। अगला सवाल है यहाँ पे, संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के लागू होने से देश में सड़क दुर्घटनाओं में कितने प्रतिशत की कमी आई है, ये सड़क है, ओके, तो सड़क दुर्घटनाओं में कमी आने की बात हो रही थी जिसको बताया संसद में, 10% की कमी आई है, और ये जो बात है किसने बताई, जो यूनियन मिनिस्टर हैं उन्होंने इस बात को बताई। कौन है वो, तो ये है मिनिस्टर ऑफ रोडवेज ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी, कि जो अब नया मोटर नियम आया है इसकी वजह से 10% अभी तक कमी देखी गई है सड़क दुर्घटनाओं में, या सड़क दुर्घटनाओं मौत की अगर बात करें तो, ओके। पर्यटन मंत्रालय ने आइकॉनिक टूरिस्ट साइट के रूप में विकसित करने के लिए देश भर में कितने स्थलों की पहचान करी है, मतलब इतने स्थल हैं जिनको आइकॉनिक साइट्स के रूप में विकसित किया जाएगा, और कौन विकसित करेगा, तो पर्यटन मंत्रालय करेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कितने ऐसी साइट्स हैं, तो इनकी संख्या है 17, चौथा वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस पूर्व CGI को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया हुआ है, तो नॉमिनेट किया गया है अभी, आपको पता होगा वैसे तो क्योंकि काफ़ी बवाल भी हो रहा है ये नॉमिनेशन पे, मतलब ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति किसी को नॉमिनेट नहीं कर सकते, राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकते हैं, और लेकिन जो नॉमिनेशन हुआ है उसको लेकर के बवाल है। जो अभी अभी हमारे CGI थे रंजन गोगोई, जो अभी रिटायर हुए हैं, तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है, इनको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया है, इसी पे कई सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है वो 245 की है, ओके, पूछा जा सकता है, या थोड़ी बहुत जानकारी आप रखें तो अच्छा ही है। 245 अभी प्रेजेंट यहाँ पे स्ट्रेंथ है, 245 लोग होंगे, इसमें से जो 233 लोग हैं वो अलग अलग जो भारत के राज्य हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं दिल्ली और पौंडीचेरी की, उनसे चुन करके आते हैं, ओके। आपको पता होगा राज्यसभा में के लिए डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है, जो इन राज्यों या यूनियन टेरिटरीज के जो विधायक होंगे वो सारे लोग उसके लिए चुनाव करते हैं। तो 233 लोग तो इस तरीके से इनडायरेक्टली चुन करके आते हैं, इनडायरेक्टली, ओके। उसके बाद जो 12 लोग बचते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ओके, कि एक व्यक्ति नहीं होते, 12 लोग होते हैं जो कि मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति इनको मनोनीत कैसे करते हैं, कि ये वो लोग होते हैं, persons having special knowledge or practical experience in respect of such matters as literature, science, art and social service, कि science, art, literature, social service के क्षेत्र में जिनको काफ़ी अच्छा अनुभव होता है, काफ़ी practical knowledge होता है, मतलब ख्याति प्राप्त जो होते हैं उनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं 12 लोगों को, और इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का ही होता है, याद रखिएगा 6 years का इनका कार्यकाल होता है। अगला सवाल है, मिशन सौर चरखा किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है,
तो मिशन सोलर चरखा आप देख लीजिए, इसको किस मंत्रालय ने शुरू किया, इसमें कन्फ्यूजन इसलिए हो सकती है क्योंकि सोलर है यहाँ पे जुड़ा हुआ, चरखा जुड़ा हुआ है, कपड़ा मंत्रालय भी आप सोच सकते हैं, बिजली मंत्रालय सोच सकते हैं, या पावर मिनिस्ट्री जिसको कहते हैं। तो इसकी शुरुआत करी है एमएसएमई मंत्रालय ने, चौथा वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। ओके, एमएसएमई मंत्रालय ने इसकी शुरुआत करी है ताकि लोगों को मतलब इसके हेल्प से जो सौर ऊर्जा है उसकी हेल्प से ये चरखा चल सके और लोगों को बिजली और बाकी चीज़ों पर डिपेंड ना रहना पड़े। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मिनिस्टर कौन है इसके, एमएसएमई के, तो ये नितिन गडकरी ही हैं और मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की फुल फॉर्म है। ये जो स्कीम है लिखा हुआ है, स्कीम इन्विसेजेस टू जनरेट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू नियरली 1 लाख पर्सन्स, कि इस स्कीम की वजह से लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार देने की क्षमता है, या फिर इस उद्देश्य से इसको इसकी शुरुआत करी गई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ कोविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीन का पहला मानव परीक्षण किस देश में शुरू हुआ, तो ये जो फर्स्ट ट्रायल है, ह्यूमन ट्रायल जिसको कहा जा रहा है, ये कौन से देश में शुरू हुआ, जो पहला यहाँ पे ह्यूमन ट्रायल है उसकी शुरुआत हुई है यूएस में। अभी कल की न्यूज आ रही है निकल करके कि चीन में भी अब इसके लिए हरी झंडी मिल गई है ह्यूमन ट्रायल के लिए, तो लेकिन पहला कौन है, तो ये यूएस ही है। अब वैक्सीन कौन सा देश पहले बनाएगा उसको लेकर के एक अलग न्यूज होगी। बाकी कोविड-19 को लेकर के अगर आप बहुत खबरें पढ़ रहे हैं तो आप उससे मतलब एक अवेयरनेस के लिए अपने पढ़िए, वो बात अलग है, लेकिन वो करंट अफेयर में ऐसे नहीं पूछा जाएगा कौन से राज्य ने भी बंद हो गया, कौन से राज्य ने सिनेमा घर बंद कर दिया, ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। यह केवल आपके अवेयरनेस के लिए अच्छा है ताकि आपको पता रहे। आगे है, आयुध कारखानों का दिन कब मनाया जाता है, या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे ये कब मनाया जाता है, तो ये आज के दिन ही मनाया जाता है, 18 मार्च को। सेकेंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला सवाल, कौशल सतरंग नामक योजना किस राज्य सरकार ने शुरू करी है, तो ये जो कौशल सतरंग जो योजना है इसको शुरू किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, और आप नाम से ही समझ सकते हैं कौशल सतरंग मतलब रोजगार परक ये एक योजना है जिसकी शुरुआत की गई है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो कैपिटल इसके लखनऊ है, गवर्नर इसके आनंदीबेन पटेल हैं, चीफ मिनिस्टर इसके योगी आदित्यनाथ हैं। अगला सवाल, भारत नेपाल में कितने नए स्कूलों की बिल्डिंग के लिए 107.01 मिलियन नेपाली रुपी देगा, ध्यान रखिएगा ये जो पैसे हैं ये नेपाली रुपी में होंगे। ओके, तो भारत नेपाल को ये दे रहा है, ये भी आप याद रखिएगा, वैसे तो नेपाली रुपी से ये बात कंफर्म होती ही है, वरना भारत नेपाल को ये पैसे दे रहा है, कितने स्कूलों की बिल्डिंग्स के लिए पैसे दे रहा है, तो इसका सही आंसर है क्या, थर्ड, तीन, मतलब तीन स्कूलों के लिए दे रहा है, सही ऑप्शन चौथा वाला है, तीन स्कूलों के लिए पैसा दिया जा रहा है। नेपाल की अगर बात करें तो आपको पता होगा नेपाल कहाँ पे स्थित है। ओके, काठमांडू इसकी राजधानी है, प्रेसिडेंट हैं इसकी विद्या देवी भंडारी, प्राइम मिनिस्टर हैं खड़गा प्रसाद शर्मा ओली, और करेंसी इसकी नेपलीस रुपी। ओके, आगे बढ़ते हैं, किस राज्य में आयोजित होने वाले चैत्र जात्रा उत्सव को, ये इंपॉर्टेंट है, कोविड-19 की वजह से रद्द कर दिया गया है, तो ये जो चैत्र जात्रा उत्सव है ये हर वर्ष उड़ीसा में होती है, थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है, और इसको अब कोविड-19 की वजह से रद्द कर दिया क्योंकि इसमें बहुत भारी भीड़ होती है और इस वजह से भीड़ एकत्रित ना हो इसको अब इस साल सस्पेंड कर दिया गया है या कैंसिल कर दिया गया है। अगला सवाल, अच्छा यहाँ पे उड़ीसा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है कि कैपिटल है उड़ीसा की भुवनेश्वर, गवर्नर हैं गणेशी लाल और चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक। किस संस्थान में वैज्ञानिकों ने उपकरण के जीवन का विस्तार करने के लिए घर्षण को कम करने के लिए एक नैनो कंपोजाइट कोटिंग का विकास किया है, तो इसका आंसर आप बताइएगा कमेंट करके, आपके लिए एज अ होमवर्क है ये क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन मतलब इसमें डिटेल क्या है वो मैं आपको बता सकता हूँ कि हम जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, कोई भी उपकरण यूज़ करते हैं, चाहे वो डे टू डे लाइफ का हो, चाहे वो स्पेस से रिलेटेड हो, चाहे वो वायुयान से रिलेटेड हो, रॉकेट से रिलेटेड कोई भी हो, सब में जो इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, जो इंजन्स लगे होते हैं, उसको स्मूथ रखने के लिए हम लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके, जिसकी वजह से उनमें फ्रिक्शन कम से कम हो। फ्रिक्शन होने की वजह से एक तो जो उपकरण होता है वो सही से काम नहीं करता है, दूसरे उसकी लाइफ भी ख़त्म होती है। तो यहाँ पे वैज्ञानिकों ने एक नैनो कंपोजिट कोटिंग विकसित करी है, मतलब एक पेंट की तरह होगा कि उसको पेंट कर देंगे अगर सरफेस के ऊपर, तो जो फ्रिक्शन होता है वो काफ़ी कम हो जाएगा,
जिसकी वजह से लुब्रिकेंट्स वगैरह इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से लुब्रिकेंट्स का खर्चा बचेगा है, उसके साथ साथ जो लुब्रिकेंट्स का वेट होता है, जैसे अगर आप अगर रॉकेट की बात करिए, ओके, तो रॉकेट में आप जितना कम से कम उसको भारी रखिए उतना ही अच्छा होता है, ताकि उसकी जो कैपेसिटी हम उसको और इम्प्रूव कर सकें और बढ़ा सकें। ओके, तो ये इन सब जगहों पे इसका काम बहुत होगा। ओके, तो आपको बताने कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसको विकसित किया है, कौन से इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने इसको विकसित किया है, अगर आपको आता है तो आप इसको कमेंट करके बताइएगा। बाकी अरुण प्रजापति ने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस के कमेंट किए हैं, मतलब आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही है। ओके, तो चलिए, ये लाइव सेशन था, सेशन थोड़ा लेट ही है। मैं सोच रहा हूँ कि ये जो करंट अफेयर का सेशन है, ये मैं अपने दूसरे चैनल मतलब स्टडी स्मार्ट SSC पे शुरू करने के लिए, तो आप लोगों का क्या विचार है उस पे, अगर मैं ये सेशन दूँ तो कैसा रहेगा, और उसकी जगह पे यहाँ पे सुबह मैं मैथ या रीजनिंग की जो वीडियोज़ हैं वो देना शुरू करता हूँ। ओके, बाकी जिन लोगों को नहीं पता है, 9:30 बजे स्टैटिक GK की जो सीरीज है लाइव, मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ, उसके लिए आप आइए। आपकी तैयारियाँ आप चेक भी कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। बाकी आपको बहुत कुछ नया सीखने को उसमें मिलता है, जो मैं आपको बताता हूँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ओके, तो बाकी सभी लोगों का यहाँ पे आने के लिए धन्यवाद। आप सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। ओके, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।